सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम रोशन है, मैं बहरोड अलवर राजस्थान की रहने वाली हूँ। आज का सम्मान ले, आज का डायमंडशिप का सम्मान लेके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी परमपिता परमेश्वर का जिन्होंने मुझे मनुष्य जन्म दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपनी सास ससुर और अपने मम्मी पापा का जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार ताली। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी फ्रंट लाइन पे बैठे सभी ग्रेट मेंटर्स का। और मैं स्पेशली धन्यवाद करना चाहूंगी माँ गुरु जी हरिनारायण चौधरी सर और माँ गुरु जी सुधीर चौधरी सर और दोनों गुरु माताओं का। मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार ताली। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माँ गुरु जी अमित राठी सर और गुरु माता रितु मैम का जिन्होंने इस बिजनेस का हमारी स्टार्टिंग करवाई थी और हमारा इस बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने हमारा पग पग पे साथ दिया, हर मुश्किल दौर में साथ दिया और एक बड़े भाई की तरह और एक बड़ी बहन की तरह हमारा सपोर्ट किया। मैं चाहूंगी उनके लिए अब तक की सबसे जोरदार ताली। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने विश्व की नंबर वन टीम का जो इस हॉल में मौजूद है। इनकी कड़ी मेहनत और लगन से आज ये डायमंडशिप का मान सम्मान मिला है। मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार ताली। जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे नहीं बताया था कि ये क्या काम करते हैं। तो मैं गांव में रहती थी, ये दिल्ली में रहते थे, ये सैटरडे और संडे को भी घर नहीं आते थे। तो मैं सोचती थी पता नहीं क्या काम करने लग गए, अब तो घर भी नहीं आते, कहीं मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है। फिर ये मुझे दिल्ली से गांव से दिल्ली ले आए और मुझे कहने लगी चल तेरे को लाल किला दिखा के लाता हूँ। लाल किले के बहाने ये मुझे मीटिंग में लेके गए और वहां कोई लाल किला नहीं था, वहां सभी ब्लैक कोट पेंट वाले थे। तो मैंने कहा ये क्या है, तो इन्होंने ये कहा कि तू इस चेयर पे बैठ जा और सुनती रह। मैंने प्रोग्राम पूरा अटेंड किया तो मुझे प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने भी इनकी सपोर्ट की। हम दिल्ली में सिंगल रूम का क्वार्टर था, उसमें रहते थे, बड़ी दिक्कत होती थी हमें, कोई गेस्ट वगैरह आता था तो बहुत परेशानी होती थी। और राठी सर तो हर दूसरे दिन ही पहुंच जाते थे और 3-4 घंटे के बजाय उठते भी नहीं थे, प्लान फॉलो पे लगे रहते थे। मैं वहां किचन में खड़ी खड़ी पैरों में सोजन आ जाता था और मैं सोचती थी कब जाएंगे। और बच्चे भी कहते थे बालकनी में से देखते कि मम्मा जलेबी वाले अंकल आ गए हैं, ये जलेबी लेके आते थे, हमेशा आते थे तब। और मैं कई बार बच्चे आते थे और उनको स्कूल से मैं वहीं किचन में खाना खिला देती थी। और कई बार तो ऐसा होता था ये रात को उठते नहीं थे लेट तक, तो मैं चटाई बिछा कर वहीं सुला देती थी बच्चों को। जब ये जाते थे बड़ा सकून सा मिलता था उस टाइम मुझे, अब चलो चले गए। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगता है जब ये पहली बार पंकज सर की डायमंडशिप देख के आए थे, तो ये रात को आगरा से दिल्ली 12 बजे आए थे, तो ये बड़े खुश थे। मैंने कहा ऐसा क्या मिल गया आज बड़े खुश हो, तो इन्होंने कहा कि देखना तेरे को 51 किलो की माला पहनाऊंगा, सोने का मुकुट पहनाऊंगा। तो मुझे उस टाइम मजाक लग रहा था, मैं कह रही थी इनको अब तो सो जाओ सुबह पहना लेना। लेकिन आज वो सपना मेरा सच करके दिखाया, वो 51 किलो की माला जब मेरे घर में माला डाली गई थी तो मुझसे खड़ा भी नहीं रह जा रहा था। मैं सोच रही थी ये माला हल्की होती है लेकिन ये बहुत भारी होती है। दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी, मुझे इतना डायमंडशिप का सम्मान दिलाया। और ये बड़े मेहनती थे, ये जो कहते हैं वो करते भी हैं। इन्होंने एक मशीन की तरह काम किया है, न कि एक इंसान की तरह। मैं देखती थी ये दिन में तो सेफ शॉप करते थे और नाइट में ड्यूटी करते थे। जब ये खाना खाते थे तो इनको नींद आती थी, तो मुझे बड़ा तरस आता था, ये देखो हमसे एक रात नहीं रुका जाता, ये तो पूरे पूरे दिन इनका ऐसे शेड्यूल रहता था, दिन में सेफ शॉप रात को नाइट ड्यूटी। इन्होंने बहुत मेहनत की, तो मैं चाहूंगी इनके लिए जोरदार ताली। ऐसा पति सबको मिले, लोग कहते हैं कि मुझे 7वां जन्म मिले, मैं कहती हूँ जब भी मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मुझे यही पति मिले। मैं इस बिजनेस की वजह से इंडिया में तो कई जगह घूमी हूँ, लेकिन मैंने इस बिजनेस की वजह से विदेश की भी यात्राएं की हैं।
और मैं लास्ट में यही मैसेज देना